संसार में सबसे बड़ा क्या है, अभिमान और बाहुबल या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से पर्वत को मैदान बना सकता है, सागर सुखा सकता है, मरुस्थल में नदियां बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होता है विश्वास का। यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं। वो कौन सा बल है कि मोर आकाश की ओर ताकते हैं? वो विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है। परंतु जब पाप के बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बाहुबल हार जाता है और जीतता है विश्वास। विजय होती है आस्था की, यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने इष्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का बल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोविंद, इस चीर के हर धागे का ऋण 100 गुना करके चुकाएगा तुम्हारा ये सखा।
अनुज। क्या अनर्थ हो रहा है सभा में? मेरे निकट मत आइएगा माता श्री, मैं मलिन हूं। नहीं नहीं पुत्री, मेरी पुत्र वधु मलिन नहीं हो सकती। मैं आपकी पुत्र वधु नहीं, ना ही कुरुवंश की कुल वधु। और ना ही आपके पुत्रों की पत्नी। मैं एक जीता जागता शव हूं। शव इस संसार की स्त्रियों की लुटी हुई मर्यादा का। मैं कुंड हूं इस सृष्टि की सभी स्त्रियों के आंसुओं का। आज मैं अग्नि नहीं, आज मैं अग्नि सुता नहीं, स्वयं अग्नि हूं। इस मूक मौन सभा के शमशान में जलते हुए नारी के मान के चिता की अग्नि हूं मैं। जो सब कुछ भस्म कर देगी, सब कुछ नाश कर देगी। मैं जीव नहीं, साक्षात मृत्यु हूं, केवल मृत्यु। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक अधर्मी की केवल मृत्यु। जो इस नग्न सभा में विनाश का नग्न नृत्य करेगी, जो सभा मेरा अपमान देखकर मौन रही, वो सदा के लिए मौन रह जाएगी। मुझसे हरण किए गए वस्त्र इस सभा में सभी के शव वस्त्र बनेंगे। जिस जिसने मेरे अपमान पर अट्ठास किया, उन सबकी मृत्यु पर ऐसा विलाप होगा कि संसार युगों तक स्मरण रखेगा। मैं यज्ञसेनी श्राप देती हूँ इस सभा को। नहीं पुत्री, इन्हें श्राप मत दो। अपनी ज्येष्ठ माता की बात सुन लो। क्यों सुनूं मैं किसी की? क्यों? जब मेरी चीत्कार किसी ने नहीं सुनी तो फिर क्यों? क्षमा कर दो पुत्री। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी, क्योंकि यदि दंड दिया तो इसी जीवन के प्रत्येक क्षण में नरक का अनुभव होगा इन्हें। मैं
कहा पुत्री पांचाल? इन सबको जीवन के हर पल नरक का अनुभव होना चाहिए। हस्तिनापुर के रक्षकों के मध्य, हस्तिनापुर के आचार्यों के रहते, संसार के सबसे बड़ी नीति वानों के मध्य यह नरक कैसे हुआ? आपसे पूछती महामंत्री, हस्तिनापुर में अंधे युग का प्रारंभ कैसे हुआ? क्यों नहीं आपने इच्छा मृत्यु मांग ली ताजश्री? और आपने क्यों नहीं अपने ही वाणों से अपने हृदय को भेद लिया द्रोणाचार्य? आज तुम्हारे मौन रहने के कारण देवताओं पर से विश्वास उठ चुका है मेरा। कैसे होने दिया ये अपमान? कैसे बन गए इनके दास? कैसे? मैं द्वारका से कृष्ण की नारायणी सेना लेकर आऊंगी और बलराम के बल से विनाश कर दूंगी इसका। सुन रहे हैं आप महाराज? सुनाई तो दे रही है ना आपको? हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहे इस विनाश के पश्चात अपने आंखों पर पट्टी बांधते समय मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा आप अपने मन की आंखों पर पट्टी बांध लेंगे। अगर थोड़ी सी भी लज्जा शेष है आप में तो कुछ कीजिए, इस ज्वालामुखी को फटने से रोक लीजिए महाराज। आज निश्चित रूप से ही हस्तिनापुर लज्जित हुआ है। पांचाली पुत्री, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। क्या चाहती हो पुत्री, मांगो, मेरा वचन है तुम्हें। एक स्त्री के लिए उसका मान सबसे बड़ा होता है और इस सभा में पहले उससे उसका सब कुछ छीन लिया और अब ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि जो वर मांगोगी मांग लो। अब मैं मांगूंगी नहीं, दूंगी, श्राप दूंगी। मैं यज्ञसेनी इस कुरुकुल को श्राप देती हूं कि ये पुत्री क्षमा करो, मेरे मूर्ख पुत्रों को श्राप देकर उनका त्राण मत करो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो परंतु श्राप मत दो। मुझसे जो छीना गया वो मुझे कोई नहीं लौटा सकता, परंतु इस अधर्मी खेल में मेरे पतियों से जो छीना गया वो उन्हें लौटा दीजिए। इस अधर्मी खेल में उनसे उनका बल छीना गया, शस्त्र छीने गए, उनका राज्य छीना गया, उन्हें उनका बल, उनका मान, उनके शस्त्र और उनका हारा हुआ राज्य लौटा दीजिए। वाह,
अब भी मौन है सब। और आप कह रहे थे दिया। जो तुमने मांगा दिया, पांडवों का राज्य, संपत्ति, शस्त्र और बल, मैं सब लौटाता हूं। नहीं पिताश्री, मेरी जीती हुई संपत्ति को लौटाने का अधिकार आपको नहीं है पिताश्री। मैंने इस युद्ध में जो भी जीता है वो अपने बल पर जीता है, अपने। बिना बिना छल के जीता है, बिना बिना युधिष्ठिर को विवश किए जीता है, बिना धर्म किए जीता है। फिर क्यों क्यों मैं इसे लौटा दूं? क्यों? आप बताइए महामंत्री, पितामह आप बताइए, आप सब बताइए। इस युद्ध में कोई भी अधर्म हुआ है? कोई भी? फिर से मौन हो गए सब। अधर्म सामने खड़ा होके पूछ रहा है कि उसने क्या अधर्म किया, और सब फिर से मौन। इस सभा में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप सब मौन है। रहिए मौन सब, रहिए मौन, परंतु इस अधर्मी दुर्योधन को उसके कुकर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। और उससे पहले इस सभा में उपस्थित वो हर व्यक्ति जिसने मौन रहकर ये अधर्म होते हुए देखा, उन्हें उनके मौन रहने का दंड मिलेगा।